हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद सौम्या। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह की जामुन की रेसिपी। एक बनाएंगे काला जामुन की रेसिपी और बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी। बिल्कुल हलवा स्टाइल में बनाएंगे, ना ही फटेगा ना ही बिखरेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे काला जामुन की रेसिपी। मैंने यहाँ लिया है मावा, ये दुकान वाला मावा है। लगभग ये 200 ग्राम का है और थोड़ा सॉफ्ट है। आप चाहे तो घर में भी बनाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मावा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो आप थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह सॉफ्ट टेक्सचर में कर लीजिएगा। अभी मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर, और ये वेनिला फ्लेवर का है। साथ ही डाला है 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे क्योरा वाटर। क्योरा वाटर नहीं तो आप इसमें डाल सकते हैं नॉर्मल वाटर, नहीं तो रोज़ वाटर डाल सकते हैं। 1 चम्मच डाला है, बेकिंग पाउडर के ऊपर ही डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सूजी, ये छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच डाला है। और डाला है 2 टेबलस्पून भर के मैदा। सूजी को इसलिए डाला है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से अब्जर्व हो जाए। और बाइंडिंग करने के लिए डाला है मैदा। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे ना फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक थोड़ा सा सेट हो जाएगा। जब तक वो सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कप चीनी लिया है और उसमें डाला है 1 कप पानी। जितना हम जामुन बना रहे हैं उतने के लिए इतना काफ़ी है चाशनी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट करके इसे उबालना है 10 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे अच्छे से। हमें बहुत ज़्यादा वो एक तार दो तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। हल्का सा जब चिपचिपा हो जाए तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे। देखिए हो गया है, अब इसे अलग उतार लेते हैं। फिर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, लो फ्लेम में छोड़ दिया। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम जामुन का शेप बना लेंगे। फ्रिज से अभी मैंने निकाल लिया है डो को, अच्छे से सेट हो चुका है। अभी आप इसका जामुन वाला शेप बनाएंगे, छोटा या बड़ा देखकर बनाएंगे। मैं मीडियम साइज में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। देखिए अच्छे से गोल करेंगे, एकदम स्मूथ फिनिश आना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। जब क्रैक होगा ना तो वो टूट जाएगा आगे। पूरा स्मूथ फिनिशिंग आना चाहिए। मैंने यहाँ सारे बॉल्स बना लिए हैं, मीडियम साइज़ में हैं। जब ये फ्राई होगा ना तो और साइज़ में और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए तेल भी गर्म हो गया है, पहले हमने चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। और यहाँ भी टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि एकदम गर्म तेल में हम एकदम से नहीं डालेंगे जामुन को। अभी बिल्कुल गर्म है तो देखिए इतना गर्म है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद हम जामुन को डालेंगे। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, इतने गर्म तेल में हम अभी डालेंगे। 2 बैचेस में बनाएंगे, 16 से 17 जितना बनाए ना, आधा अभी बनाएंगे आधा बाद में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 बैच डाल दिया है। अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना खुद ये ऊपर तैरने लग जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर में ये अपने आप ऊपर तैरने लग गया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। अभी मैंने गैस को ऑन कर लिया है, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। फिर 1 मिनट के बाद फिर से लो फ्लेम में इसे पूरा डार्क होने तक डीप फ्राई करेंगे। अभी मैंने लो फ्लेम कर दिया है, अब इसे और थोड़ा डार्क होने तक फ्राई करेंगे। देखिए पूरा डार्क कलर में आ गया है। अब ये हो गया, अब इस टाइम पे इसे निकाल लेना है। और ज़्यादा फ्राई करेंगे ना ये जल जाएगा।
क्योंकि थोड़ी देर बाद ये और थोड़ा डार्क दिखने लगेगा। अभी मैं निकाल रही हूँ, देखिए इस टाइम में एकदम हमें निकाल लेना है। अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर से हम गैस को ऑफ कर देंगे और बाकी का जो है वो जामुन भी उसी तरह फ्राई करेंगे जैसे पहले हमने किया था। और गरम गरम चाशनी में डालेंगे, मतलब उबलता हुआ चाशनी में नहीं डालेंगे, चाशनी भी गर्म है हमारा थोड़ा सा, और ये जामुन जो है वो भी गर्म है, दोनों का थोड़ा थोड़ा गर्म होना ज़रूरी है। तो मैंने जामुन को डाल दिया है जो अभी मैंने फ्राई किया था, अब ये ऊपर तैर रहा है, थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे चाशनी अंदर जाएगा जामुन नीचे जाएगा। और बाकी का भी जामुन अभी फ्राई करते हैं, उसे भी डाल लेंगे। देखिए बाकी का भी फ्राई करके डाल लिया है, कुछ देर बाद अच्छे से चाशनी जो है जामुन के अंदर चला गया है, अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है, परफेक्ट काला जामुन बन के तैयार है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बना हुआ है। अब इसे मैंने अलग निकाल लिया है, इसे अभी काट के देखते हैं। देखिए अंदर तक बहुत अच्छे से चाशनी जो अंदर तक गया है और देखिए जालीदार बना है, बहुत परफेक्ट काला जामुन बन के तैयार है। अगली रेसिपी है सूजी की गुलाब जामुन की रेसिपी, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी बनेगा, हलवाई स्टाइल में बनेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है सूजी, सूजी ये बारीक वाला है, बिल्कुल महीन वाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में एक बार डालकर इसे बारीक कर लीजिएगा। आधा कप लेंगे सूजी और साथ ही लिया है 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर कोई भी ले सकते हैं, साथ ही डाला है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून लिया है मैदा, और इसके साथ डालेंगे 2 टीस्पून घी। अब इन सबको ना एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, जो घी मिल्क पाउडर है ना अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है, सूजी और भी अच्छे से महीन हो चुका है, पहले से हमने महीन वाला डाला था ये और अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और मैंने गैस में चढ़ाया है एक पतीला, उसमें डाला है 1 कप + 1/4 कप दूध, फ्लेम को लो रखेंगे और तुरंत ही जो हमने ब्लेंड किया था ना वो मिक्सर डाल लेंगे, दूध को बहुत ज़्यादा गर्म होने नहीं देंगे, ठंडे में ही डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जब दूध गर्म हो जाएगा तो मिलाने में दिक्कत होगी, लम्स पड़ जाएंगे, तब अच्छे से इसे मिला लेते हैं, फ्लेम को लो में रखेंगे, थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। हमने जो कॉर्नफ्लोर मिल्क पाउडर सब डाला है वो अच्छे से मिक्स होके गाढ़ा हो जाएगा, देखिए इस तरह अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, लम्स नहीं आने चाहिए और बहुत ज़्यादा इसे ड्राई गाढ़ा नहीं करना है, देखिए इतना इतना पकाना है कि वो बर्तन से अलग हो रहा है, देखिए इतना बस। अब इसे उतार लेंगे, फिर इस मिक्सचर को मैंने अलग एक प्लेट में डाल लिया है, अब ये थोड़ा सा गर्म है, अब गर्म में ही इसे एक स्पैचुला के हेल्प से इस तरह मसलेंगे, हमें इसे पूरा स्मूथ टेक्सचर में लाना है, रसगुल्ला रसमलाई बनाने के वक्त हम छेना को मसलते हैं ना उस तरह से हमें इसे करना है। देखिए एकदम स्मूथ टेक्सचर है इसका, लग ही नहीं रहा है कि ये सूजी का मिक्सचर है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। एक बड़े से पैन में मैंने डाला है 2 कप चीनी और पानी भी डालेंगे 2 कप, जितना चीनी लिया है पानी भी उतना ही डालेंगे। अभी शक्कर को मिलाते हुए पिघलाएंगे, जब शक्कर पिघल जाए तब इसे 5 मिनट और उबालेंगे हाई फ्लेम में। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला चाशनी नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला वाला चाशनी चाहिए,
अब इसमें मैंने डाला है इलायची का पाउडर आधा चम्मच, पाँच से सात मिनट तक इसे उबाल लेंगे हाई फ्लेम में। देखिए गाढ़ा हो गया ये, एक बार चेक कर लेते हैं, हमें एक तार दो तार वाला नहीं चाहिए। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर लेते हैं। सूजी का मिक्सचर देखते हैं क्या हुआ है, इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे इस तरह। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो है। इसमें मैंने अभी डाला है फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है थोड़ा सा। इस तरह फूड कलर डालने से ना, जब हम गुलाब जामुन बनाने के बाद काटते हैं ना, तो अंदर वो थोड़ा येलो सा दिखता है, अच्छा लगता है वो कलर। इस तरह अच्छे से मस लेंगे। देखिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से करेंगे ना तो आपका जामुन जो है फटेगा नहीं। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए उतने बड़े में बना लेंगे, और स्मूथ फिनिशिंग आना चाहिए, थोड़ा सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए पूरा स्मूथ में आना चाहिए, इस तरह सारे बॉल्स बना लेंगे इस तरह। और तेल को गर्म किया है मैंने, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है बस। फिर फ्लेम को लो करके गुलाब जामुन डालेंगे। मैंने सबसे पहले एक डाला है और चेक किया है, एक जामुन पहले डाल के चेक कर लेंगे, अगर फटने लगे तो उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और मिला के फिर से फ्राई करेंगे। अभी मैंने देखिए चेक कर लिया है, मेरा जामुन है जो नहीं फट रहा है, परफेक्ट फ्राई हो रहा है। तो अभी मैं बाकी के जामुन भी डाल लूँगी, और बहुत ज़्यादा जामुन एक साथ नहीं डालना है, कोशिश कीजिएगा कम से कम डाल के फ्राई करने को। और तेल भी ज़्यादा डालिएगा, जो भी हम जामुन डाल रहे हैं ना पूरा डूबने चाहिए तेल के अंदर, वरना ना ऊपर के भाग से जो है जामुन फटने लगेगा। देखिए मेरा जामुन पूरा डूबा हुआ है तेल के अंदर, इतनी क्वांटिटी में हमें तेल डालना है। ख़ास करके हम जब सूजी के जामुन बना रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जामुन डालते से हम नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा पकने देंगे, बाद में से हल्के हाथों से घुमाते हुए फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। देखिए जब इस तरह का कलर आ जाए तो इसे निकाल लेंगे, परफेक्ट आया है। देखिए एकदम राउंड शेप में बना है, थोड़ा सा भी फटा नहीं है, कलर भी बहुत अच्छे से आया है। इसी तरह से सारे जामुन फ्राई कर लेंगे। सारे जामुन को फ्राई करके तुरंत चाशनी में डाल देंगे। हमारा जामुन जो है गर्म होना चाहिए जब हम चाशनी में डालेंगे इसे। सारे जामुन को मैंने फ्राई करके डाल लिया है, और चाशनी को भी थोड़ा सा गुनगुना रखें जब आप जामुन को डालें। सारे अच्छे से डाल लिया है, इसे मैंने नाइट में बनाया था तो अगले दिन इसे सर्व करूँगी। इसे कुछ घंटे ऐसे सोक करने के लिए रखना पड़ता है। देखिए अगले दिन है, चाशनी जो है अच्छे से जामुन के अंदर जा चुकी है। देखिए परफेक्ट बना है, थोड़ा सा भी फटा नहीं है। इसे अलग निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जूसी जामुन बन के तैयार है, अब इसे काट के देखते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है इसका, एकदम स्पॉन्जी जूसी जामुन बनके तैयार है, और पता ही नहीं चल रहा कि ये सूजी का जामुन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।